आलसी बेटे। एक गांव में राम नाम का एक अमीर किसान रहा करता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो फिर भी घमंडी नहीं था। वो हर किसी की मदद करता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम शिवा था और दूसरे का नाम गोपी। वो दोनों कुछ काम नहीं करते थे, बैठकर खाने से पहाड़ों का खजाना भी खत्म हो जाता है। इसी तरह वो भी धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। दिन ब दिन वो बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा था। उसे उन दोनों आलसी बेटों की बहुत फिक्र रहती थी और हमेशा उसी फिक्र में चिंतित रहता था। एक दिन वो उन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। जब हम अमीर थे तब इस गांव में चोरों का बहुत ज्यादा डर था, इसलिए मैंने कुछ सोने के सिक्के अपने खेत में एक घड़े में छुपा कर रख दिए थे। बहुत वक्त हो गया है ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहां रखे हैं। तुम दोनों सारा खेत खोद दो और उस घड़े को बाहर निकालो। अब हमें उस सिक्कों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत खुशी से शिवा और गोपी खेत गए और सारा खेत खोदने लगे। कुछ देर बाद गोपी ने कहा, अभी तक हमने बहुत खोद दिया है, फिर भी हमें वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा नहीं मिला। शिवा ने जवाब दिया, जिधर खोदना बाकी है उधर ही होगा शायद। बिना ज्यादा समय गवाए जल्दी करते हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें वो घड़ा नहीं मिला। वो वापस घर आकर अपने पिता को सब कुछ सुनाने लगी। मुझे लगता है कि घड़ा शायद चोरी हो गया है। अब जाने दो, तुम ही बताओ। एक काम करते हैं, तुम दोनों ने इतनी मेहनत से सारा खेत खोदा है ना, तो क्यों ना उसमें कुछ बीज डालकर फसल उगाई जाए। दिया था, इसीलिए उन्हें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सोचकर वो मान गए और बाजार जाकर बीज ले आए और उसे खेत में डाल दिया। कुछ दिन बाद बहुत अच्छी बारिश हुई, फसल भी बहुत अच्छी होने लगी। तब राम खेत आया और फसल देखकर उसे बहुत संतुष्टि मिली। उस साल खेती बहुत अच्छी हुई। उन्होंने सारी फसल काट दी और बारिशों में और बोरियों में डालकर घर ले आए। तब राम ने कहा, अपने लिए कुछ अनाज की बोरियां रख लो और बाकी के बाजार में बेच आओ। जैसा उनके पिता ने कहा, शिवा और गोपी ने बिल्कुल वैसा ही किया। सारी फसल बेचकर उसके पैसे अपने पिता को लाकर दे दिए। अपने बच्चों की पहली कमाई को देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों यही है वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो तुम दोनों मिलकर हर साल इस खेत से कमा सकते हो। तुम दोनों सुखी जीवन बिता सकते हो और हर किसी की मदद कर सकते हो। पिता की ये बात सुनकर बेटों को भी बहुत खुशी हुई। वो दोनों आलस छोड़कर अब हर साल इसी तरह फसल उगाकर धनवान होने लगे। जैसे वो पहले अमीर थे, अब वैसे ही अमीर हो गए थे और अपने पिता को गौरवशाली बना डाला था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करेंगे तो ही फल मिलेगा। बूढ़ी गाय। धर्मपुर नामक एक गांव में नागेश नाम का एक किसान था। उसके पास एक बूढ़ी गाय थी। जब वो गाय जवान थी तब वो बहुत सारा दूध दिया करती थी। उस दूध को बेचकर नागेश बहुत पैसे कमाता था। अब वो गाय बूढ़ी हो जाने के कारण उसका कुछ काम नहीं था, इसीलिए नागेश एक दिन बाजार गया और वहां से एक नई मोटी ताजी गाय ले आया। वो उस नई गाय को बहुत अच्छा और ताजा चारा खिलाता था और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, पर उस बूढ़ी गाय को वो अपनी मजबूरी समझकर सूखा और पुराना चारा खिलाता था। एक दिन खूंटे से बंधी बूढ़ी गाय को खोलकर वो उससे कहने लगा, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, तुमसे मुझे कुछ फायदा नहीं होता है। तुम्हें चारा खिलाना भी अब बेकार है, मैं तुम्हें अब जाने दे रहा हूँ। गाय रोते रोते वहाँ से चली गई। रास्ते में उसे गोपाल नाम का एक लड़का मिला। वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो?
रोती हुई गाय अपना सारा हाल गोपाल को सुनाने लगी। गोपाल को उसके ऊपर बहुत तरस आ गया। वो अब उसकी मदद करना चाहता था। उसे एक उपाय सूझा। वो उसे अपने साथ नागेश के घर ले आया। उसने नागेश से पूछा, क्या ये गाय आपकी है? हाँ, ये गाय मेरी ही है। क्यों, क्या हुआ? गोपाल ने कहा, क्या ये गाय आप मुझे बेच सकते हो? मैं आपको इसके बदले 5,000 रुपए दूंगा। 5,000 रुपये? इतने पैसों में तो तुम 5 नई ताजा दूध देने वाली गाय खरीद सकते हो। इस बूढ़ी गाय के लिए तुम इतने पैसे क्यों देना चाहते हो? शायद आप नहीं जानते, लेकिन एक बूढ़ी गाय को अपने घर के सामने बांधकर हर रोज सुबह उसे नमस्कार करके अगर खेत जाए तो हमें बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं आपसे ये गाय को खरीदना चाहता हूँ। अब उसे इस गाय को नहीं बेचना था। उसने गोपाल को वापस भेज दिया और इसके बाद वो हर रोज गाय को नमस्कार करता और उसका बहुत अच्छा ख्याल रखता था। उस साल बहुत बारिश होने के कारण उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसे बहुत लाभ हुआ था। उसे लगता था कि ये सब कुछ उस बूढ़ी गाय की वजह से हुआ है और वो उसे एक देवी की तरह ख्याल रखता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे बूढ़ा हो या जवान, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। भूत की अच्छाई। एक जंगल के पास वाले गांव में शांता माँ और शिव नामक माँ बेटे रहते थे। आजू बाजू वाले उन पर शब्दों का जादू करके जरूरत के सामान ले जाते थे। बहुत खमा के माँ को कुछ रखने वाला शिव को ऐसे काम गुस्सा दिलाते थे। एक दिन शांता माँ घर समेट रही थी, एक कोने में पोटली दिखी। उस पोटली को शायद उसने कभी नहीं देखा। क्या होता होगा करके चिंते में पोटली खोली। उस पोटली के अंदर बहुत पैसे दिखे। आनंद नहीं ले पाते हुए आजू बाजू के लोगों को बुलाकर बोली, उन सब के सामने अपने बेटे की बहुत तारीफ की। वह बातें छुपे हुए चोरों ने सुन लिया, फिर हड़बड़ी में उसके पास आए। तुम्हारा बेटा पेड़ से गिर गया, बहुत घायल हुआ, इलाज के लिए पैसे लाने को कहा, बोलकर उलझन में डाल दिया। उनकी बातों को सच मानकर शांता माँ ने पैसों की पोटली दे दी। वह लेकर वे भाग गए। बेचारे बेटे को ऐसे हुआ जानकर वो रोते हुए चौखट के पास रह गए। कुछ घड़ी बीतने के बाद शिव घर पहुँचते ही इतनी जल्द गांव भर गए क्या रे? शांता माँ ने चौंकते हुए पूछा। माँ के ऐसे पूछने पर शिव समझ गया कि कुछ तो हुआ है और पूरी बात बताने को कहा। माँ की बात सुनने के बाद उसके आंसू ही कम थे। मेरी मेहनत की कमाई पूरी मिट्टी में मिला दी और थोड़ा जमा करके शहर में व्यापार करना चाहता था, मुझे वह नसीब ही नहीं। बोलकर बिना कुछ खाए गुस्से में घर से निकल गया। असहनी दुख में अब जीवन पर शिव निराश होकर सीधे सीधे जंगल के भूतों के कुएं के पास गया। वह जीना नहीं चाहता करके वह आकर खाए बोलकर जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर कुएं से बाहर आई हुई भूत, क्या हुआ, क्यों बुलाया, बोलकर पूछा। शिव बिना डरे भूत को पूरी बात बताया। अब तक जमा हुआ सारा पैसा चला गया, क्यों जीना, मुझे मार दो, बोलते हुए प्रार्थना की। भूत समझ गया था कि यह काम शब्दों का जादू चलाकर धोखा देने वाले उन चोरों का ही है। देखो, तुम कोई मासूम लगते हो, गलत करने वालों के सिवा अच्छे लोगों को हम भी कुछ नहीं करते। तुम्हारी पैसों की पोटली तुम्हारे हाथ में फिर आया तो क्या तुम घर जाओगे, करके पूछी। हो, पैसे मिलते तो खुशी से घर जाऊंगा, कहा शिव। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो।
बोलकर उसकी पीठ पर बिठाकर उन चोरों के स्थान पर ले गया। तभी वे दोनों चोर मारी हुई पैसों को भाटते हुए उनमें बिना फर्क किए झगड़ा करने लगे। उसी क्षण उनके सामने भूत को देख वे भागने की कोशिश की, तो वो भूत छोड़ेगा क्या? पकड़कर दोनों को बहुत पिटा। इससे चोर चोरी का पूरा धन उधर ही छोड़कर भयभीत होकर फरार हो गए। उसकी कोई हुई धन के साथ और बहुत धन देने वाली अच्छी भूत को शिव ने धन्यवाद किया और अपना व्यापार करके माँ की सेवा करने की उससे वादा कर घर लौट चला। इस कहानी की नीति है कि शिव जैसे अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।